अगली जो खबर है वो भी दिल्ली से ही जुड़ी हुई है। तो पांच का पंच की जो अगली खबर है वो जुड़ी हुई है, कांग्रेस से जुड़ी हुई, और नोटिस पर नोटिस। जी हां, कांग्रेस को नोटिस पर नोटिस मिल रही है, और ये नोटिस मिल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया नोटिस जारी किया है। इसमें 2014 से लेकर 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड कांग्रेस से की गई है। इन ताजा नोटिसों के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गई है। जी हां, पहले आपको याद होगा 1823 करोड़ और अब 1745 करोड़, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 3567 करोड़ रुपए की जो इनकम टैक्स की राशि है वो कांग्रेस से मांगी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2014-15 के लिए 663 करोड़, 2015-16 के लिए 664 करोड़ और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस कांग्रेस को भेजा गया है। कांग्रेस से जुड़े हुए सूत्रों का दावा है कि आईटी विभाग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स रिबेट खत्म कर दी है और पूरे कलेक्शन के लिए पार्टी पर टैक्स लगा दिया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जांच एजेंसियों ने छापे में कांग्रेसी नेताओं से जब्त डायरियों की थर्ड पार्टी को लेकर हुई एंट्रीज पर टैक्स लगाया है। बता दें कि कांग्रेस को दो दिन पहले ही 29 मार्च को आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिला था, जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था। ये डिमांड नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया था। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। तो इस पूरे नोटिस को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। इस पर आपसे समझना चाहेंगे, एक और नोटिस, पहले का नोटिस जो था उससे कांग्रेस पहले ही परेशान थी, ऐसे में अब एक और नोटिस आ गया है, क्या कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है, नियम क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन राजनीतिक दलों के लिए एक नियम होता है कि इनको टैक्स में रिबेट मिलता है, क्या वो नियम समाप्त कर दिया गया, क्यों और कब से समाप्त किया गया? देखिए, अब हम करें कांग्रेस की मुश्किल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एक और नोटिस जो है वो इनकम टैक्स का जो है इसकी डिमांड को लेकर जो है मिलता हुआ नजर आया। 2014 से 2017 करीब 1745 करोड़ की जो टैक्स डिमांड है वो आज जो है आईटी विभाग की तरफ से की गई है, और इसी के साथ में अब जो टैक्स डिमांड है वो बढ़कर 3567 करोड़ जो है हो गई है। इससे पहले जो हमने देखा था कि एक नोटिस जो मिलता हुआ नजर आया था करीब 29 मार्च को, उसमें जो है 2017-18 से 2020-21 तक का करीब 1823 करोड़ जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता, तो ऐसे में अब करीब 3500 करोड़ जो है वो इनकम टैक्स जो है डिमांड कांग्रेस की तरफ से जो है करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमने देखा था कि पिछले दिन कांग्रेस की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को जो है मिलती नजर आई थी, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो 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 ये नोटिस उन्हें मिले हैं उनको वो जो ऊपरी अदालत है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चैलेंज जो है वो करते हुए जो है नजर आएंगे, क्योंकि इतने निचली अदालत की बात करते हैं तो निचली अदालत में जो है जो 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 उनको मिलना चाहिए था उस तरीके से जो है राहत नहीं मिलती हुई जो है नजर आई थी, ऐसे में ऊपरी अदालत में जाते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भी अगर इसी लिहाज से अगर इस पर जाहिर तौर पर ये लड़ाई आमने सामने की, और कांग्रेस की कोशिश यही है कि अब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर जनता के बीच वो जाना चाहेगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।